हेलो फ्रेंड, अब आप घर बैठे ए टू जेड का नॉलेज ले सकते हैं, वो भी सर कुंदन के साथ। तो फ्रेंड चलिए, आज हम आपके लिए एक नए टॉपिक लेकर के आए हैं। वो है टॉपिक हमारा, चलिए आपको दिखाना चाहेंगे हम। सो फ्रेंड, हम लिस्ट बना के रखे हुए हैं। आज हम लोगों का एक्सेल स्टार्ट होने जा रहा है। एक्सेल का वन टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम लोग। सो फ्रेंड देखिए, आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2016। सो फ्रेंड ये हमारा लेटेस्ट वर्सन है। उसके बाद है हाउ टू पेज सेटअप इन एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक्सेल में पेज सेटअप करना। तो सो फ्रेंड आज हम लोग इसमें आपके लिए लाए हैं कि हम लोग मार्जिन कैसे सेट करेंगे, ओरिएंटेशन कैसे करेंगे, साइज कैसे लेंगे, प्रिंट एरिया सेट कैसे करेंगे, उसके बाद प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट कैसे कराएंगे। सो फ्रेंड चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो सेशन। सो फ्रेंड ये हमारा वीडियो लास्ट तक देख के जाएं, आपको बेहद बिल्कुल मजा आने वाला है। सो फ्रेंड चलिए, सबसे पहले हम लोगों का हाउ टू ओपन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2016। सो फ्रेंड इसको ऑन करने के लिए आपको हम दो प्रोसेस बताएंगे। सो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले फ्रेंड आप विंडो में क्लिक कर दें और ये आपका इस तरीके से आपका लिस्ट आएगा। सो आप इसको स्क्रॉल बार को नीचे लाइए। सो फ्रेंड देखिए, डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2016 इस पर क्लिक कर दें। चलिए ओपन हो रहा है, क्लियर। यहाँ पे आप फ्रेंड इसको मैक्सिमाइज कर ले और ये जो ब्लैंक है ब्लैंक वर्कबुक, इस पर डबल क्लिक कर दें। सो फ्रेंड आपके सामने आप देख रहे हैं कि आपका एक्सेल ओपन हो गया है। सिंपली चलिए आपको दूसरा तरीका बताने जा रहे हैं। सो फ्रेंड इसको देखिए, आपको बिल्कुल मजा आएगा और ये आप करेंगे सबसे आसान है और ये ही आप करेंगे। विंडो प्लस आर करेंगे, ये आपके सामने रन बॉक्स आएगा। यहाँ पे डायरेक्टली आपको EXEL टाइप कर देना है और ओके करेंगे फ्रेंड, आपका एक्सेल ऑन हो जाएगा। ये ज़्यादा बेस्ट है मेरे हिसाब से। चलिए क्लियर हो गया फ्रेंड। अब यहाँ पे सबसे पहले ये आपके जो पेजेस हैं, ये आपके कितने दूर तक हैं, क्या नाम है, कितना कैसे कैसे है, थोड़ा बहुत हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं। सो फ्रेंड आप ये जो देख रहे हैं, ये इसमें जो है हमारे जो रो कॉलम होते हैं, तो इसमें आपको रो और कॉलम चेक करने के लिए डायरेक्टली ये ए के जस्ट राइट लेफ्ट साइड और वन के ऊपर आप क्लिक करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे आपको आपका दिख जाएगा। सो फ्रेंड देखें, 1048576 आर मतलब होता है रो, और फ्रेंड इनटू है 16384 सी फॉर कॉलम। तो फ्रेंड एक सीट में 1048576 क्या होता है आपका रो। तो फ्रेंड रो क्या होता है, ये जो आप देख रहे फ्रेंड इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं रॉ। क्या बोलते हैं फ्रेंड, इस तरीके को रॉ बोलते हैं। तो इस तरह का जो लाइनिंग है, यानी 1 2 3 4, ये 1048576, तो फ्रेंड आप नीचे कैसे जाएंगे उतना दूर तक, तो एक ट्रिक बताएंगे फ्रेंड। तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ऑप्शंस की का डाउन बटन आप प्रेस करेंगे, तो आप देखिए फ्रेंड 1048576 आ गए। सो फ्रेंड फिर आपको ऊपर जाना है, कंट्रोल के साथ आप ऑप्शंस की को बटन दबाएंगे कीबोर्ड से, तो फ्रेंड आप आ जाएंगे। और इधर जो है 16384 कॉलम, तो फ्रेंड कैसे आप जाएंगे, तो देखिए ये कहाँ तक है आपका, तो कंट्रोल के साथ आप राइट ऑप्शंस की दबाइए XFD तक है, फिर उसके बाद कंट्रोल के साथ लेफ्ट दबाइए, फिर वन आ जाइएगा। सो फ्रेंड क्लियर। तो इस तरीके से हम आपको XFD तक लास्ट तक है और इसमें रो जो है इसका 1048576। चलिए क्लियर हो गया फ्रेंड। अब हम आपको इसमें, यानी ये वन सीट में है, सो फ्रेंड सीट को आपको बनाना है, तो आप यहाँ पे न्यू सीट क्रिएट करने के लिए खाली इस पे प्लस बटन दबाएंगे, सीट आपका बनते ही चला जाएगा। सो क्लियर फ्रेंड। अब यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, क्या आपका 1048576 पूरे सीट पे आप वर्क करेंगे, कैसे करेंगे, हमारा पेज कहाँ से कहाँ तक है, इसमें A4 साइज निकालना पड़ता है। तो फ्रेंड ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको कहाँ तक अपना वर्क करना है। तो सो फ्रेंड आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जो हम बता रहे हैं हमारे स्टेप को आपको फॉलो करना है, बस क्लियर हो जाएंगे। सो फ्रेंड आपको क्या करना है, पेज सेटअप करना है एक्सेल में। तो सो फ्रेंड मार्जिन है, ओरिएंटेशन है और साइज है, प्रिंट एरिया है। सो क्लियर, आपको क्या करना है फ्रेंड, पेज लेआउट मेनू में जाना है और पेज लेआउट में यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, इसको आपको फॉलो करना है, ऑटोमेटिक आपका पेज का साइज निकल जाएगा और पता भी चलने लगा कि हमारा पेज A4 कितना से कितना दूर तक है। सो फ्रेंड चलिए, ये हमारा पेज सेटअप है, ये आपका मार्जिन है। मार्जिन में फ्रेंड करना क्या है, आपको कुछ ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, जैसे हमारा नैरो जो फ्रेंड हम बता रहे हैं उसको आप सेलेक्ट कर लें। फिर उसके बाद ओरिएंटेशन में दो पेज साइज, एक पोर्ट्रेट है और दूसरा लैंडस्केप है। सो फ्रेंड आप इसमें पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर ले, आपकी इच्छा है कि आपको लैंडस्केप करना है तो आप लैंडस्केप कर सकते हैं।
चलिए क्लियर। आपको किस तरह का पेज क्रिएट करना है, डाटा एंट्री का वर्क कैसा करना है, किस तरह का पेज में मोड में आपको वर्क करना है, सो फ्रेंड आप यहाँ से चूज कर ले। उसके बाद है साइज। बेसिकली फ्रेंड यहाँ पे अधिकतर जो यूज होता है वो A4 पेज ही यूज होता है, सो फ्रेंड आप यहाँ पर से अपने पेज को A4 को सिलेक्ट कर ले। क्लियर फ्रेंड। अब यहाँ पर से देखिए क्या है कि आपको हम पूरा बताएंगे। देखिए ये A से लेकर के फ्रेंड K तक जो है आपका A4 साइज, और नीचे आइए देखिए इसमें एक लाइनिंग डॉट 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 लाइनिंग आया हुआ है। सो फ्रेंड देखिए, फिर देखिए यहाँ से ये इस तरह से क्रॉस हो गया है, यानी 50 तक है, और ये फिर इधर दूसरा है। तो फ्रेंड ये सब सारी चीज़ों को हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। सो पहले तो ये समझ जाइए फ्रेंड कि आपका ये जो पेज देख रहे हैं ये आपका A4 पेज साइज है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया, यानी आप इस पेज से ज़्यादा आगे कुछ टाइप करते हैं जब आप प्रिंट करना चाहेंगे तो आपका के अंदर तक का ही डाटा आपका प्रिंट होगा, इससे आगे प्रिंट नहीं होगा। सो फ्रेंड अब क्या करना है, जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके दिखाते हैं। जैसे 1 कर दिए, 2 कर दिए, और इस डाटा को हम के ज़्यादा दूर से ले जाते हैं, चलिए एन तक लेके चले गए, तो हम लोग 14 नंबर तक हो गया। और फ्रेंड यहां से टू कर दिए, इसको भी हम 50 से ज्यादा कर दिए, चलिए क्लियर। तो यहां पे देख रहे हैं कि फ्रेंड हमारा 11 तक है और ये हमारा कहां तक है, ये 49 तक है। अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है फ्रेंड। इसमें हमने आपको एक ये भी टॉपिक दिया है कि हाउ टू अप्लाई प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट। तो फ्रेंड प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल प्लस F2 बटन है, आप उसको दबाएं। और यहाँ पर से देखिए फ्रेंड, इसको आप यहाँ से मैक्सिमाइज थोड़ा सा थोड़ा जूम करके देख लें। चलिए अब यहाँ पे क्या है ना कि आपका जो पेज है ये कहाँ से कहाँ तक है, देखिए कहाँ तक नंबर 11 तक ही है ना फ्रेंड, और ये नीचे कहाँ तक है ये भी देखिए, ए साइड आ जाइए, चलिए 49 तक है। तो फ्रेंड आप यहाँ पे क्या देखें कि जहाँ तक आपका ये डॉट 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 लाइन है इसी के अंदर आपको वर्क करना है, और इसके आगे जब वर्क करेंगे आप तो आपका क्या होगा, वो प्रिंट नहीं आएगा। सो फ्रेंड इसी के अंदर आपको पेज को एडजस्ट करके ही आपको फाइल डाटा एंट्री का या लेशन प्लान का, अटेंडेंस सेट का, कोई भी किसी भी तरह का वर्क जब करना हो तो इसी के अंदर आपको सेट करना है। सो क्लियर फ्रेंड। और दूसरा बात है, जब इसमें आपको कुछ पेज थोड़ा बहुत मार्जिन वगैरह भी सेट करने के लिए बता देते हैं, जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू अभी करने गए थे तो कंट्रोल प्लस F2 कर ले, और भी कुछ चीज़ें बढ़ सकता है, एक दो कॉलम बढ़ सकता है, एक दो रो बढ़ सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा ऊपर कर ले। ये फ्रेंड प्रिंट प्रीव्यू होने के बाद ही ये आप इस तरीके का मार्जिन सेट कर पाएंगे। देखिए एक दो रो बढ़ सकता है, देखिए नंबर एक दो आ सकता है, और नीचे आ जाइए, चलिए कुछ तो इधर आए, इसको बैक कर लीजिए। सो फ्रेंड ये आप देख लिए। अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे अभी आप देखिए कि जब हम इसको प्रिंट प्रीव्यू किए तो इसमें लाइन कॉलम नहीं था, तो एक बार फिर से हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए फाइल में जाइए, यहाँ से भी कर सकते हैं, प्रिंट में जाइए, देखिए ये ऑप्शंस आ गया, इसमें लाइन कॉलम नहीं शो कर रहा है। तो इसमें लाइन कॉलम शो कराने के लिए फ्रेंड आपको क्या करना होगा, इसको आप सेलेक्ट कर लें और फिर होम मेनू में जाके ये फॉन्ट में ये है बॉर्डर फ्रेंड, यहाँ से ऑल बॉर्डर कर लें। सो क्लियर। अब इसको आप प्रिंट प्रीव्यू देखिए, और ये देखिए इसके नीचे हमने बॉर्डर नहीं दिया तो उसमें नहीं शो करेगा। फिर से फाइल में जाइए और प्रिंट में क्लिक कर दें, देखिए क्लियर, समझ में आ रहा है फ्रेंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पेज को पेज सेटअप कैसे करें और इसी के अंदर आपको एंट्री करना है। चलिए एक छोटा सा हम आपको एग्जांपल दे ही देते हैं। तो फ्रेंड करना क्या है, एक छोटा सा एक किसी एम्प्लॉय का
डिटेल्स रिकॉर्ड करके रखना है। सो फ्रेंड चलिए, सीरियल नंबर, एम्प्लॉयज नेम, एम्प्लॉयज एड्रेस, उसके बाद एम्प्लॉय पोस्टिंग, डेट ऑफ, उसके बाद बैच नंबर, सैलरी। क्लियर फ्रेंड? अब आप इस तरीके से तो दे दिए, बट अब इसको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे डबल क्लिक आपको कॉलम पे करना है, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। चलिए, अब आपको एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय एड्रेस, ये दो कॉलम को बड़ा करना है। ऊपर से आप ये दोनों को सेलेक्ट कर ले एक साथ इसको, और ध्यान रहे फ्रेंड ये लाइनिंग इससे बाहर ना जाए। चलिए, एम्प्लॉय पोस्टिंग, डेट ऑफ ज्वाइन, उसके बाद ज्वाइनिंग दे सकते हैं। चलिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी, बैच नंबर और सैलरी को। चलिए, क्लियर हो गए, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हेडिंग में आप कलर वगैरह देना चाहेंगे तो कलर दे सकते हैं, इसको आप सेंटर कर ले। चलिए, क्लियर, इसको थोड़ा बोल्ड करना चाहेंगे तो बोल्ड कर लेते हैं, इटैलिक भी मार सकते हैं। क्लियर, ये इसको इधर से सेलेक्ट करके सभी रॉ को थोड़ा थोड़ा बड़ा कर ले, एक साथ सारा बड़ा हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड? अब यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के लिए आपको टाइपिंग आना चाहिए। सो फ्रेंड चलिए, 1 2, इसमें एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, आप जैसे 1 2 करके ये दोनों को यहाँ से प्लस पॉइंट जब आएगा इसको आप ट्रैक कर दें। 1 2 आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको 40 तक ही लाना है, क्योंकि आपको 40 के बाद वो नेक्स्ट पेज हो जाता है, आपको इसी पेज के अंदर वर्क करना है। क्लियर? यहाँ पे नाम है, एम्प्लॉय एड्रेस है, पोस्टिंग क्या है, सारे मैनेजर हैं, मैनेजर सभी का जो ज्वाइनिंग डेट है वो 12/2/2020 है। चलिए, सभी बैच नंबर 3004099 में काम करता है, सभी का सैलरी 24,000 है। क्लियर? अब इसको आपको क्या करना है, सिलेक्ट करके ऐसे सबों को सिलेक्ट कर ले, नीचे तक आइए फ्रेंड, जहां तक है आप, और कंट्रोल डी दबा दें। सो फ्रेंड क्लियर, सबका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सारे मैनेजर। अब यहां पे क्या है, एम्प्लॉय राम हरि, एड्रेस दिल्ली, श्याम राज, कारो, राजीव, जमालपुर, नागपुर। सो फ्रेंड इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। अब इसको आप चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड इसमें और भी बॉर्डर यहां से यहां तक ला दीजिए। तो क्या आ गया, यहां नंबर गड़बड़ा गया है यहां पे। चलिए, यहां तक सेलेक्ट कर ले और ऑल बॉर्डर कर ले। अब आइए फ्रेंड, अब इसको कंट्रोल प्लस F2 करें,
देखिए आपके प्रिंट प्रीव्यू। अब आपको ये आपका पूरा पेज में आपको ये सब सारा चीज मिल रहा होगा। इसको और भी थोड़ा सा बड़ा करना चाहेंगे, सैलरी इसको मैनेज करके, क्लियर। तो अब देखिए फ्रेंड, इस तरीके से आप अपने पेज को सेट करके कुछ डाटा एंट्री बना करके प्रिंट कर सकते हैं। ये आपको गवर्नमेंट ऑफिस हो या खुद का वर्क हो या कहीं काम कर रहे हो, आपको ये बिल्कुल काम आने वाला है। सो फ्रेंड, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस होता है, आप तो एंट्री कर लेंगे मगर पेज सेटअप इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, फिर आपको जब प्रिंट करना, जो भी प्रिंटर आपके कंप्यूटर्स में अवेलेबल है। सो फ्रेंड, हमारे कंप्यूटर में इप्सन L3 1001 सीरीज का है और यहाँ पर से पेज नंबर आपको 121 दे करके यहाँ से प्रिंट करेंगे। कितना कॉपीज निकालना है ये आपको, वो फ्रेंड आप प्रिंट कर सकते हैं। चलिए, सो फ्रेंड आई होप ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा होगा। हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। फ्रेंड, ज्ञान बांटने से घटता नहीं है, बढ़ता है। आप अपने फ्रेंड को जरूर बताएं। ओके फ्रेंड, चलिए मिलते हैं फिर हम आपको फिर एक नए वीडियो को लेकर के। और अब हम लोगों का जो है फ्रेंड एक्सेल का आज से लेसन 1 क्लासेस शुरू हो चुका है, इसलिए फ्रेंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। इससे फ्रेंड आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि जब भी हम नए वीडियो डालेंगे सो फ्रेंड आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और सबसे पहले आप एक्सेल का नॉलेज ले सकते हैं। फ्रेंड आपको बहुत ही बेसिकली नॉलेज हम दे रहे हैं, इसको आप हर एक वीडियो को थोड़ा सा सब्र करके देखें, बिल्कुल बेहद मजा आएगा और आप अपने घर बैठे A to Z कंप्यूटर का नॉलेज ले सकते हैं और हर एक तरह का चीज़ आप सीख सकते हैं। सो फ्रेंड चलिए मिलते हैं फिर हम आपके साथ एक नए वीडियो को लेकर के। ओके बाय, थैंक यू।